मगध राज्य का एक राजा था, उसकी पत्नी उषा थी। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। उस महल में एक नौकरानी रहती थी, उसका एक बेटा था। राजा उस लड़के को अपना बेटा मानने लगा। नहीं दासी, यह बेटा केवल तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। आज से इसका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है मुनीम जी। क्या आदेश है? आज से इस बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालना चाहता हूँ। तुम अभी इस बच्चे का और इस बच्चे के माँ का नए नए वस्त्र, गहने, खाने पीने और रहने का उचित बंदोबस्त कर दो। और ध्यान रखना, इन दोनों को कोई कष्ट ना हो। क्या इतनी बड़ी बात, एक नौकरानी के लड़के के लिए इतना प्यार? ठीक है, सही समय आने दो, फिर मैं बताऊंगी। देखते देखते समय बीत गया और उस दासी का बेटा 20 वर्ष का हो गया। और उस बनिया ने एक दिन, उषा आज से इस लड़के और दासी को तुम देखना। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होके विदेश जाइए, मैं अच्छी तरह उन दोनों की देखभाल करूंगी। आज मुझे मौका मिला है, उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। आज तेरे पिताजी व्यापार के लिए गए हैं। पता है माँ। अब तुम दोनों भी जाओ। कहाँ? अभी तुम दोनों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये देखो। इस घटने के बाद बढ़िया अपने घर वापस आ गया। दासी और अपने पुत्र को नहीं देखने से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। पत्नी से पूछा, उषा मेरा पुत्र और दासी कहाँ है? नौकरानी एक बड़ी बीमारी के वजह से मर गई और उसी के दुख में तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा मैंने मगर वो नहीं मिला। ये क्या, अब मैं क्या करूँ? आप एक काम कीजिए, दो बकरियों का बलि देके काली माँ का पूजा कीजिए। हो सके आपका बेटा मिल जाए, इसलिए मैं दो बकरियाँ भी मंगा के रखी हूँ। यह बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल बलि चढ़ाकर माँ काली को बहुत प्रसन्न करूँगा। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः। ओ, अब आप अपने हाथों से इस बकरे की बलि चढ़ाओ। जी पंडित जी। है? ये क्या, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लग रहा है पूजा में कोई अर्चन आ गया है, आप दूसरी बलि की तैयारी कीजिए पंडित जी। हाँ ठीक बोल रही हो। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः। अब इस बकरे को अपने हाथों से बलि चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों, क्यों नहीं दे सकते बलि? एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। आप अगर बलि नहीं चढ़ा सकते हैं तो फिर मैं खुद इसकी बलि चढ़ाऊंगी। रुकिए, आप इसका बलि नहीं चढ़ा सकती। कौन हो तुम? मैं पुरोहित की बेटी हूँ। ये बकरी आपका बेटा है और जो दूसरी बकरी थी आपकी नौकरानी थी। आपकी पत्नी अपनी जादुई शक्ति से इन दोनों को बकरी बना दी थी। ए झूठ बोल रही है। अगर तुम यह साबित कर सकती हो तो मैं आधा जायदाद तुम्हें दान दे दूंगा। नहीं, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ आपके बेटे से विवाह करना और इस गुनहगार को सजा देना। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम अपराधी को जान से नहीं मार सकोगी। ठीक है, नहीं मारूंगी।
पिताजी। बेटा, इस लड़की का बात सच है? हा? कौन सी बात? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या बकरी बना दी थी? हाँ पिताजी, ये बात सच है। झूठ, ये झूठ बात है, सब साजिश है मेरे खिलाफ। मैं मार दूंगी इस लड़के को। इसके बाद की कहानी बहुत ही संक्षिप्त है। पुरोहित की बेटी के साथ बनिए के पुत्र का विवाह हुआ और बनिया सबके साथ सुख शांति से रहने लगा। अच्छा महाराज, बनिए के पारिवारिक मामले में पुरोहित की लड़की का बोलना क्या उचित था? हाँ महाराज, पारिवारिक मामला हो या फिर बाहर का मामला हो, इन सभी मामलों में अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद करना उचित है। समझे बैताल? इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उस पुरोहित की लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, समझे? इसलिए अब मैं चला महाराज। हा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